हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्टेड लेसन नंबर 8। दिस लेसन नेम इज द काइंड फेरी। देयर वाज ए फॉरेस्ट ऑन हिल साइड। एक बार पहाड़ी की तरफ एक जंगल था। देयर वाज पीस बिकॉज ऑफ पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज दैट ग्रू देयर। वहाँ बहुत शांति थी क्योंकि वहाँ पर पाइन और यूकेलिप्टस के पेड़ थे। वन डे जॉन ए लिटिल बॉय। एक बार जॉन एक छोटा बच्चा हु लिव्ड इन ए नियर बाई विलेज। वो पास के गांव में रहता था। वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट सम ट्विग्स एंड ड्राई लीव्स। वह जंगल की तरफ जाता है कुछ सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा करने के लिए। जॉन वाज वेरी पुअर एंड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जॉन बहुत ही गरीब बच्चा है जो अपने माता पिता और दादा दादाजी के साथ रहता है। वैन जॉन इंटर्ड द फॉरेस्ट। जॉन जब जंगल में प्रवेश करता है, द विंड बिगेन टू ब्लो। हवा बहने लगती है। द विंड वाज स्ट्रॉन्ग। हवा बहुत ही तेज थी। ही कलेक्ट द लीव्स एंड ट्विग्स एंड टर्न बैक टू गो होम। जब वो सूखी पत्तियां और घास इकट्ठा कर लेता तो घर के लिए चलता है। ऑन द वे ही सा ए बर्ड लेइंग ऑन द ग्राउंड। वह रास्ते में देखता है कि एक पक्षी जमीन पर गिरा हुआ है। इट वॉज फ्लूटरिंग इट्स विंग्स इन पेन। वह छटपटा रहा है क्योंकि उसके पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। जॉन वेंट टू द बर्ड एंड फाउंड दैट इट वॉज वाउंडेड। जॉन उसके पास जाता है और वह पाता है कि वह पक्षी घायल है। इट वॉज ब्लीडिंग और उसको खून भी आ रहे हैं। जॉन पिकअप्ड द बर्ड एंड ब्रॉट इट होम। जॉन पक्षी को पकड़ता है और अपने घर ले आता है। ही वॉश्ड द वाउंड एंड टाइड ए पीस ऑफ क्लॉथ राउंड द बर्ड्स नेक। वह उसके घाव को साफ करता है और एक कपड़ा उसके गर्दन के चारों तरफ बांध देता है। ही गेव इट सम ग्रेन्स टू ईट और उसे कुछ खाने के लिए दाने देता है। द नेक्स्ट डे द बर्ड वॉज ट्रोटिंग अबाउट। अगले दिन पक्षी कुछ चलने फिरने लगता है। जॉन वॉज वेरी हैप्पी। जॉन बहुत खुश होता है। बट सून द बर्ड डिसअपीयर्ड। लेकिन जल्दी ही वह पक्षी आंखों से ओझल हो जाता है। इन द आफ्टरनून जॉन वेन टू द कूप टू कलेक्ट द एग्स। अगले दोपहर जॉन मुर्गियों के घर की तरफ अंडे इकट्ठे करने के लिए जाता है। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी ए फ्यू गोल्डन एग्स। वह बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है जब वह कुछ सोने के अंडे वहाँ देखता है। ही क्राइड आउट। वह चिल्लाता हुआ बाहर आता है। मम्मी कम एंड सी गोल्डन एग्स। मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो सोने के अंडे। वैन जॉन्स मदर केम सी कुड नॉट बिलीव हर आई। जब जॉन की मम्मी आती है तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जॉन्स ग्रैंड फादर एक्सप्लेन। जॉन के दादाजी उसे समझाते हैं। जॉन दिस इज द बोन गिव बाय द काइंड फेरी हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। जॉन ये आशीर्वाद है दयालु परी का जो कि जंगल में रहती है। सी गिव्स बोन टू द काइंड हार्टेड पीपुल। वह दयालु हृदय के लोगों को वरदान देती है। यू सेव्ड द लाइफ ऑफ द बर्ड एंड सो द काइंड फेरी गेव यू गोल्डन एग्स एज ए बुन। तुमने उस पक्षी की जान बचाई थी इसीलिए दयालु परी ने तुम्हें बुन अवरदान के रूप में सोने के अंडे दिए हैं। जॉन्स फैमिली सोल्ड द एग्स एंड बिकेम रिच। जॉन के परिवार उन अंडों को बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। नाउ देयर बैड लक हैड कम टू एंड। अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए।